विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी मिल चुकी होगी कि LIC आने वाले समय में एक नई पॉलिसी लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है जीवन उत्सव। अतः LIC से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके बीच यह जिज्ञासा बनी हुई है कि इसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे और इसमें लोगों को क्या स्पेशल चीज़ें दी जाएंगी। अतः फाइनटेक गाइड ने यह निर्णय लिया कि इसके बारे में बेसिक वीडियो बनाई जाए जिससे सभी को जानकारी हो जाए कि इसके अंदर क्या फीचर्स हैं। यह रेगुलर इनकम वाला एक प्लान है जिसमें हर साल 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड रिटर्न किए जाएंगे जो SB के रूप में होंगे। आपको पता है कि पेंशन के रूप में जो अमाउंट प्राप्त होते हैं उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है इनकम रूल के अनुसार, क्योंकि वो भी एक तरह का इनकम है तो इनकम टैक्स रूल के अनुसार उस पर इनकम टैक्स लगता है। लेकिन चूंकि यह SB है यानी सर्वाइवल बेनिफिट है तो LIC के SB पर इनकम टैक्स नहीं लगती है। इस कारण जो ये रेगुलर 10% ऑफ सम एश्योर्ड आएगा वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यदि कोई 10 लाख का कोई पॉलिसी लेता है सम एश्योर्ड, यदि उसका 10 लाख है तो उसका 10% यानी 1 लाख रुपये उसको गारंटीड लाइफ टाइम प्राप्त होंगे। यह टैक्स फ्री होगा और इसको आप पेंशन के रूप में भी सेल कर सकते हैं। ये हो गई ऑप्शन 1 की बात। लेकिन यदि कोई चाहे कि नहीं मुझे ये 10% ऑफ सम एश्योर्ड नहीं लेनी है तो फिर वो ऑप्शन 2 चूज कर सकता है। इसको बोलते हैं फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट। यदि वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड नहीं लेता है यानी कि वो सर्वाइवल बेनिफिट नहीं लेता है तो 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट प्रति वर्ष उसके ऐड रहेंगे और ये उसके साथ ऐड होता रहेगा और उसकी वो अमाउंट इंक्रीज होती रहेगी। और साथ ही जब तक प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 40 रुपीज़ पर 1000 उसके प्रीमियम पेइंग टर्म तक ऐड होती रहेगी, जो कि गारंटेड एडिशन है। ये एक्स्ट्रा उनको मिलती रहेगी और उसके साथ ये ऐड होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं लोन तथा सरेंडर की। इस पॉलिसी में लोन भी अवेलेबल है और सरेंडर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं राइडर्स की। इसमें सारे राइडर्स अवेलेबल हैं यानी ADDB, AB, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड PWB, प्रीमियम वेबर बेनिफिट। ये सारे राइडर्स इसमें अवेलेबल हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर आप इनको इस पॉलिसी के साथ ऐड कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसमें डिफरमेंट पीरियड लेना अनिवार्य होता है, इसमें डिफरमेंट पीरियड रहता है। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 5 से 16 तक आप चूज कर सकते हैं यानी 5 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 16 ईयर्स तक आप इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं। यदि कोई 5 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो उसका डिफरमेंट पीरियड 5 ईयर्स तक होगा यानी कि 10 ईयर्स का गैप होना आवश्यक है। 5 + 5 10 ईयर्स हो जाएगा। यदि कोई 6 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करता है तो उसका डिफरमेंट पीरियड 4 ईयर्स होगा यानी कि 6 + 4 10 ईयर्स हो जाएगा। 7 ईयर्स का कोई अगर प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो उसका डिफरमेंट पीरियड 3 ईयर्स का होगा यानी कि 7 + 3 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद फिर उसको वो अवेलेबल होंगे, मिलने पैसे शुरू होंगे। इसी तरह से यदि कोई 8 से 16 तक का चूज करता है प्रीमियम पेइंग टर्म, 7 तक को हो गई, 7 ईयर्स अगर कोई प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो 3 ईयर्स का डिफरमेंट रहेगा। लेकिन यदि कोई 8 से लेकर 16 तक का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करता है तो फिर उसका डिफरमेंट पीरियड 2 ईयर्स का होगा, 8 + 2 10 हो जाता है। और उसके बाद जितना भी वो टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म ले उसका डिफरमेंट पीरियड 2 ईयर्स होगा यानी मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 2 ईयर्स होना जरूरी होता है, उस 2 ईयर्स से कम का डिफरमेंट पीरियड नहीं होगा। यह पॉलिसी बच्चों के लिए भी ली जा सकती है। 90 डेज से लेकर 65 ईयर्स तक के लोगों को यह पॉलिसी दे सकते हैं। अब 90 डेज के बच्चों को यदि देते हैं या फिर उससे अधिक बड़े बच्चों को भी यदि आप देते हैं तो उसमें PWB ऐड कर लेंगे और ये चाइल्ड प्लान के रूप में भी इसको आप सेल कर सकते हैं। पहले बताई जा चुकी इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, उसको आप देख लेंगे, रेगुलर इनकम बेनिफिट और फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट, 2 ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। लाइफ एश्योर्ड की डेथ होने पर सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन रिटर्न किए जाते हैं। ये सम एश्योर्ड ये हायर बेसिक सम एश्योर्ड होगा या फिर 7 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम होगा, जो हाईएस्ट होगा वही नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। LIC एजेंट या सेल एग्जीक्यूटिव्स को इस पर कितने कमीशन दिए जाएंगे ये आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करें, आपको ज़रूर इसकी जानकारी दी जाएगी। अब एक सैम्पल बेसिक प्रीमियम देख लेते हैं। ये प्रीमियम थोड़ी सी 19-20 हो सकती है जब ये फाइनल पॉलिसी लॉन्च होगी, लेकिन उम्मीद है कि प्रीमियम यही रहेंगे। यदि 30 वर्ष का कोई व्यक्ति लेता है और प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स रखता है तो उसका पता है डिफरमेंट पीरियड 5 ईयर्स होगा क्योंकि 10 ईयर्स होना आवश्यक होता है, तो 5 ईयर्स का डिफरमेंट पीरियड होगा यानी कि 10 ईयर्स के बाद ही उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा तो उसको 1,10,150 रुपये प्रीमियम देने होंगे। यदि 8 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है 5 लाख सम एश्योर्ड के लिए तो उसको 72,600 यानी 72,600 रुपये उसको प्रीमियम देने होंगे प्रतिवर्ष।
यदि 12 वर्ष का वो पेइंग टर्म लेता है तो 44,275 रुपये और 16 ईयर्स का यदि पेइंग टर्म लेता है तो 30,025 रुपये ये उसके प्रीमियम लगेंगे। यदि वो 16 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो उसका डिफरमेंट पीरियड 2 ईयर्स का होगा। 12 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो उसका डिफरमेंट पीरियड 2 ईयर्स का होगा। 8 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो उसका डिफरमेंट पीरियड 2 ईयर्स का होगा और यदि 5 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म्स लेता है तो उसका डिफरमेंट पीरियड 5 ईयर्स का होगा। बाकी सारे बेनिफिट्स आप पीछे फिर से वीडियो को देख लें, वहां पे बताई गई कि किस प्रकार से उसमें रेगुलर इनकम बेनिफिट और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के हिसाब से दिए जाएंगे। सारे बेसिक डिटेल्स इसमें कवर कर लिए गए हैं। यदि फिर भी आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। इस प्लान को आप चाइल्ड प्लान के रूप में भी सेल कर सकते हैं PWB देकर। इसको आप पेंशन प्लान के रूप में भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन प्लान्स में जो पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल होती है, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से उस पर कैलकुलेशन होती है। लेकिन चूंकि यह SB है इस कारण यह बिल्कुल इसका रिटर्न टैक्स फ्री होता है, यह टैक्स फ्री इनकम होगा, तो आप इसको पेंशन प्लान के रूप में भी सेल कर सकते हैं। या फिर अगर यदि वो इस पेंशन को या इस SB को नहीं लेता है तो 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर ऐड होगा, जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। साथ ही ₹40 पर 1000 गारंटेड एडिशन टिल प्रीमियम पेइंग टर्म भी इसमें ऐड होता है, ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। और डेथ बेनिफिट 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम या हाईएस्ट बेसिक सम एश्योर्ड, जो भी हायर होगा वो उसको दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसके बेसिक डिटेल्स हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बी हैप्पी एंड बी प्रोग्रेसिव।